हमने कहा था ट्रांसपिरेशन कौन एक्सहेल कर रहा है या एसेंट ऑफ सैप। सैप इज वॉटर एंड मिनरल्स। एसेंट ऑफ सैप इज एक्सप्लेन्ड बाय कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा था कि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। कैसे हम, हाउ कैन वी चेक दैट द लीफ इज ट्रांसपायरिंग। ये हमने लीफ लिया, ये है लोअर सरफेस ऑफ लीफ और यहां पे हमने दिस इज ब्लू ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। हमने पूरी तरह इसको हमने क्या इस पुट ऑन लीफ आफ्टर ड्राइंग द लीफ विद टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से करके हमने इसको ड्राई कर दिया और इसके ऊपर हमने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख दिया है, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विच इज ब्लू कलर। इट टर्न्स पिंक आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद वो पिंक हो जाता है। एज इट एब्सॉर्ब्स वॉटर वेपर्स ट्रांसपायरिंग हवा में रखेंगे तब नहीं होता बेटा, हवा में भी वेपर्स है एकदम नहीं, जब वो वेपर्स के इमीडिएट कॉन्टेक्ट में आता है तब वो जो है पिंक होता है। ठीक है, इसलिए जब लीफ में से ट्रांसपिरेशन हो रही होगी तो धीरे धीरे वो पिंक हो जाए। ठीक है, ड्राई COCl2 इट इज ब्लू, मॉइस्ट COCl2 इट इज पिंक। दिस शोज दैट यू नो द लीफ इज ट्रांसपायरिंग। और ये थोड़ा सा ये आपका मतलब IQ सा कॉमन सा IQ है कि अगर हम ऊपर वाले सरफेस पे डायकॉट लीफ पे रखेंगे तो शायद पिंक हो सकता है कुछ टोमेटा अपर सरफेस पे, बट बहुत देर बाद पिंक होगा, जबकि लोअर सरफेस पे रखेंगे तो बहुत जल्दी पिंक हो जाए। तो इट मींस देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस, मोर ट्रांसपिरेशन इज अकरिंग फ्रॉम द लोअर सरफेस, राइट। तो एक तो ये अब आ जाता है कि ट्रांसपिरेशन occurs through इसके थ्रू होता है टू ओपन स्टोमेटा। क्लोज स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता है, ओपन स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा ओपन व्हेन गार्ड सेल absorb water
and becomes the adjective. Guard cells kab absorb karenge? Guard cells absorb water when its water potential gets lower as compared to adjacent cells. कैसे इसका वाटर पोटेंशियल कैसे लो होता है, क्यों होता है, ये हम एक्सप्लेन करें. तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एक्सप्लेन बाय पोटेशियम मैलेट pump theory proposed by Levin. ये आपकी बुक में तो नहीं दी हुई है, बट अगेन मेरी ड्यूटी, मुझे ऐसे लगता है कि ये बताना चाहिए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछ लिया जाए. अब याद रखना है, इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम CO2 concentration decreases in the leaves or leaf cells. And second is CO2 is inversely proportional to pH. pH increases. इस कारण से स्टार्च इन गार्ड सेल्स हाइड्रोलाइज़ेस टू फॉर्म ग्लूकोस. ठीक है, पहले यहां तक लिखो, फिर हम आगे चलते आगे करते हैं. बोर्ड खाली हो फिर तक. ये देखिए, ये गार्ड सेल है. ये इनसाइड ऑफ द गार्ड सेल है. हियर दिस इज वैक्यूम. ये है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या हुआ कि जो मैंने बताया है कि यहां पे डे में, डे टाइम में देयर इज नो CO2 एंड हाई pH. साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, स्टार्च फॉर्म्स ग्लूकोस, ग्लूकोस ब्रेक्स इनटू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, देन CO2 आ जाता है एंड एंजाइम है पीपीकेस, और क्या बना,
मैलिक एसिड, मैलिक एसिड डिफ्यूजस इनसाइड वैक्यूम. वैक्यूल के अंदर हाई पीएच पर इफ इट डिसोशिएट्स टू फॉर्म प्रोटॉन्स प्लस मैलेट आयन्स. दिस प्रोटॉन्स इफ इट डिफ्यूजेस आउट एंड इन टर्न equal amount of potassium and few chloride ions diffuses inside. ये potassium ions malate के साथ combine करके to form potassium malate ions. जो potassium malate है, potassium मैलेट कॉम्प्लेक्स जो है इज ऑस्मोटिकली एक्टिव. इट इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर और डिक्रीजेस सोल्यूट पोटेंशियल. दस डिक्रीजिंग वॉटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स एज कंपेयर्ड टू एडजसेंट एपिडर्मल सेल्स. इस वजह से क्या होता है, द वॉटर डिफ्यूजेस फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स टू गार्ड सेल्स. इसकी वजह से गार्ड सेल्स become surgeon and stomata open. Dusri taraf night mein kya hota hai ya dark mein kya hota hai, there is increase in CO2 in guard cells. क्योंकि photosynthesis जो है, वैसे तो dark reaction जो है, it is, you know, not dependent on light, but night time में CO2 की fixation कम होती है क्योंकि energy availability कम. तो increase in CO2 concentration in guard cells, decrease in pH. इसकी वजह से रिवर्सल ऑफ पोटेशियम मैलेट पंप. फिर क्या होता है, ये सब रिवर्स हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इज रीफॉर्म. मैलिक एसिड जो है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है. इससे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीजेस, दे लूज वाटर एंड बिकम्स फ्लेसिड, ड्यू टू विच द stomata gets. So this is the procedure how stomata opens during daytime and close during night.
इन जनरल, ठीक है, कैम प्लांट्स में ऑपोजिट होता है वो हम बताएंगे कल मिले। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांस दैट इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। पहले है अपटेक ऑफ मिनरल्स, ठीक है, सो मिनरल्स आर एब्सॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल, पहली बात। दूसरी बात जो है मिनरल्स आर एब्सॉर्ब इन फॉर्म ऑफ आयंस सच एज पोटेशियम आयंस फॉस्फेट आयंस देन सल्फेट आयंस क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा। जो आयंस है आयंस कैन नॉट मेक बाय डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स ऐसे वो डिफ्यूजन से नहीं पास करते हैं, देयरफोर जो मेम्ब्रेन्स है मेम्ब्रेन्स हैव आयन पंप्स। विच यूज एटीपी एंड दस कॉजेस मूवमेंट ऑफ आयंस। इन या आउट ऑफ सेल, कुछ सेल के बाहर भी तो जाने। अनदर इज दूसरी बात एक और है कि जो आयंस है आयंस कंसंट्रेशन इज लेस इन सॉइल एज कंपेयर्ड टू प्लांट्स। प्लांट्स में पर यूनिट एरिया जो है वो आयन ज्यादा है बट प्लांट्स को तो और भी चाहिए, देयरफोर मोस्ट ऑफ आयन्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट and some by diffusion। जहां पर भी membrane pass करनी है याद रखना है जब ions ने membranes pass करनी है तो कैसे जाएंगे that is by active transport। कुछ जो है वो diffusion से चले जाए तो most of the ions were absorbed by and moves in epidermal cells। ठीक है जी, उसके बाद एपिडर्मल सेल्स से आगे मूव कर रही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंडोडर्मिस। एब्सेस जैसे मैंने पहले बताया था चेक पोस्ट। क्यों चेक पोस्ट है? क्योंकि इसके सरफेस पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, ठीक है, जो कुछ ही सोल्यूट्स को अंदर पास होने के एज इट्स वॉल हैज
specific. Transport proteins. Which allows only certain ions, yes, solutes to pass. सभी को नहीं, इसलिए जो यू नो एंडोडर्मल सेल्स है उसको हम क्या कह देते हैं कि वो चेक पोस्ट है. एज इट एडजस्ट जो एंडोडर्मिस है इट एडजस्ट द क्वालिटी, कौन से आयन और कितने quantity of ions to pass. ठीक है जी. तो एक बार उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि फ्रॉम एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस ऑफ रो these ions reaches xylem. यहां तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी लग रही है, बट एक बार जो है xylem में पहुंच गए then they move along with that transpiration stream या you know apoplast stream. Once the ions reach xylem, it moves unidirectionally. That is upwards along with transpiration stream. इसके साथ ऊपर मूव. तो यहां पे अब क्या हो गया, सोर्स ऑफ आयंस मेनली क्या है, रूट्स प्लांट के लिए. और सिंक क्या है, सिंक है वेयर आयंस आर यूज्ड और स्टोर. मेरिस्टेमेटिक रीजन्स है, ग्रोइंग रीजन्स है. तो सबसे फर्स्ट सिंक क्या है, मेरिस्टम्स. उसके बाद है यंग लीव्स है, डेवलपिंग फ्लावर्स सीड्स एंड फ्रूट्स. ये जो है ये सिंक है, राइट, और जहां पर भी ये स्टोर होती है अदर स्टोरेज पार्ट या स्टोरेज ऑफ. अब क्या है, अनलोडिंग ऑफ आयंस फ्रॉम ज़ाइलम. ज़ाइलम से बाहर निकलना है
कहां पे निकलेंगे? That is, vein endings of leaf यहां से बाहर निकलेंगे and उसके बाद है second, पहला यहां से बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद है taken by cell. Vein endings is xylem into the intercellular spaces of leaves mainly हम बात कर रहे हैं या कहीं पर भी by diffusion. और intercellular spaces से cells में जा रहे हैं by active transport. Is it okay? तो पहले ये लिखिए. तो unloading जो ions की है, it is again by diffusion and active uptake या active transport. Xylem से intercellular spaces में जा रहे हैं by diffusion, but from intercellular spaces into the cells by active transport. ठीक? लिखो ये. कि ये तो ये मैंने बता दिया कि नॉर्मल क्या होता है. उसके बाद आपको पता है कि जो सेनेसेंट पार्ट्स है प्लांट का, जो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, उनमें मिनरल स्टोर्ड है, तो वो ये कहते हैं कि हमने तो मरना ही है, हम ये यंगर पार्ट्स को दें, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन, रीमोबिलाइजेशन ऑफ आयन. ठीक है, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. मिनरल आयन्स आर रीमोबिलाइज, सभी नहीं, Some mineral ions are remobilized from older senescent parts, from older senescent, S-E-N-E-S-C-E-N-T. From older senescent parts to the young growing parts of the plant. To the young growing parts of the plant. Full stop karke, in deciduous plants. Deciduous hote hain jo sardiyon mein apne patte gira dete hain. In deciduous plants, before leaf fall, मतलब पत्ते गिरने से पहले, before leaf fall, minerals move from leaves to the growing parts. Next point है, the minerals which are mobile, जो transport हो जाते हैं, which are mobile are कौन कौन से minerals है, phosphorus, nitrogen, potassium and small amount of sulfur. Sara sulfur, small amount of sulfur also. Whereas some mineral ions are not remobilized as they are components of the cell structure. As they are components of the cell structure, for example, calcium.
वो स्टोर थोड़ी हुआ है, वो तो सेल वॉल का पार्ट है, इसलिए वो नहीं मोबिलाइज होता. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम, कैल्शियम पैक्टेट बनाता है ना, सेल वॉल बनाता है, मिडल लैमेला बना. ठीक है जी. तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो मिनरल्स है, अच्छा यार, मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड through xylem as mainly inorganic ions. But some as organic forms also. फॉर एग्जाम्पल, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड एज एमाइड्स या अमीनो एसिड्स. मेनली जो है वो एमाइड्स या अमीनो एसिड्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर. सेकेंड है, सम फॉस्फोरस एंड सल्फर आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्गेनिक फॉर्म. बट मैक्सिमम मिनरल्स किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज इन इनऑर्गेनिक फॉर्म. दिस इज ऑब्जर्व, कैसे पता चला, बाय एनालाइजिंग ज़ाइलम सैप, सैप फ्रॉम ज़ाइलम. उसको जब एनालाइज किया क्वालिटेटिवली तो देखा कि कुछ उसमें इनऑर्गेनिक, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक आयंस है बट कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म्स भी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स बिटवीन xylem and phloem also. Xylem पानी देता है phloem को, phloem कुछ food भी देता है. ठीक है, तो इसलिए xylem जो है वो mainly unidirectional है, mainly, right? तो xylem transport is पहले तो xylem transport both inorganic as well as organic substances. Xylem transport is unidirectional. Generally, जो है root से other parts की तरफ जाती. ठीक है जी, तुम्हीं को पहले. ठीक है, ये सारा वही लिखना है, मेरा मतलब यहां तक लिखो, उधर से लेके यहां तक, ये तो पहले ही लिखा. जाते हैं बेटा फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट. ठीक है,
फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट जो है इट मेनली ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड. स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन में सोर्स क्या है फूड का? लीव्स. सिंक है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड रूट्स वेयर फूड इज स्टोर. उसके बाद है नेक्स्ट अर्ली स्प्रिंग. व्हेन द न्यू लीफ बर्ड्स अराइज. ये जो लीफ बर्ड्स है दे नीड फूड एंड एनर्जी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, एनर्जी फॉर ग्रोथ. तो नेक्स्ट स्प्रिंग में सोर्स क्या है? रूट्स एंड सिंक क्या है? नीव बर्ड्स. तो हम कहते हैं कि एज सोर्स एंड सिंक आर वेरिएबल इन फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट. पूरा लिखना है, मेरी तरह नहीं लिख देना है. फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट देयरफोर flowing transport is bidirectional. Xylem transport unidirectional hai. Flowing transport bidirectional. Another point. Ki kya cheez flowing transport kya karta hai? Leaves synthesize glucose. This glucose changes into sucrose in leaves. अब ये जो सुक्रोस है ये कैसे? इट इज पास्ड फ्रॉम सुक्रोस मूव्स फ्रॉम मेसोफिल इनटू, पहले कहां पे जा रहा है? Companion cells of and उसके बाद active transport से, ये main याद रखना है, active transport से moves into living seed tubes of plant. Sucrose hai, usne kya kiya? Increase in osmotic pressure of seed tubes, water potential kam hogi. Theek hai,
या फिर हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गए. एसटी मतलब सी ट्यूब्स, पूरा अगेन पूरा लिखना है. इसकी वजह से वॉटर डिफ्यूजेस फ्रॉम लीफ जाइलम टू लीफ फ्लोइम. प्रेशर इन फ्लोइम इंक्रीजेस. Therefore, phloem sap moves to region of low pressure. That is, phloem sap moves to phloem of stem. और अल्टीमेटली सिंक में पहुंच रहा है, दैट इज रूट फ्लोएम, जहां पे एक्टिव अनलोडिंग ऑफ शुगर, सिर्फ शुगर क्या इन रूट सेल्स. शुगर की अनलोडिंग रूट सेल्स में हो जाती है एंड क्योंकि अब सिर्फ पानी रह गया तो वॉटर डिफ्यूजेस बैक इन साइड. सो दिस इज हाउ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ यू नो फूड अकर्स फ्रॉम द फ्लोएम. यहां पे पहले लिख लो, transport of food through phloem is explained by munch mass flow hypothesis. Munch mass flow hypothesis. और ये आप लिख लो एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. दो चार पॉइंट्स होंगे तो वो मैं आपको लिखवा दूंगी, बट दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. राइट, एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो जो बोली थी मैं. आप ये पहले लिख लो, मैं फिर करता हूं.